Hello friends, good morning. Welcome to e-tutorial of Binayak Intermediate College, Khajuraho. Friends, my name is Dhananjay Tiwari and I will teach you today class 12th physics. Friends, today my topic is electric potential due to a point charge, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव. इसके लिए हम लोग करते क्या हैं? हमने माना कोई धन आवेश प्लस क्यू है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है. अब इस बिंदु से कुछ दूरी पर हम एक पॉइंट मान लिए बी है और एक पॉइंट ए है. ये पॉइंट ए इस धन आवेश क्यू से स्मॉल एक्स दूरी पर है और ए और बी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी एक्स. हमको निकालना है पी पर वैद्युत विभव. इसके लिए हमको किसी आवेश को, हम लोग मान लिए धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है, इसको हमें अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेकर आना पड़ेगा, तभी हम इस पर वैद्युत विभव निकाल पाएंगे. अब अगर हम लोग देखें कि ये बिंदु ए पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू के कारण क्यू जीरो पर एक बल कार्य करेगा, अर्थात क्यू नॉट जो है हमारे पास धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा. ये फोर्स कूलाम के नियमानुसार हो जाएगा या इक्वल्स 1/4πε0 qq0/x2. ये कंडीशन तब की है जब हम इन आवेशों को निर्वात में रखे हुए हैं. यदि हम इसको किसी k प्रबलतांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एक k का भी यूज हो जाएगा. अब q नॉट को q की ओर अगर हम लेकर आते हैं तो हमको कुछ बल लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है. यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा. हमको उस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, अर्थात जो भी कार्य किया जाएगा वो इस जो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो कार्य होगा, कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा. अब यहाँ पर या ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि बल के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो विस्थापन जो हो रहा है इसको हम लोग माइनस में लेकर चलेंगे. तो आवेश क्यू जीरो को क्यू की ओर डी एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य, अब हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन. तो हमारे पास जो थोड़ी सी दूरी विस्थापित कर रहे हैं dx दूरी, किया गया कार्य हो जाएगा dw इक्वल्स हो जाएगा f इंटू dx. लेकिन हम लोग dx के बदले क्या लेंगे? माइनस dx. तो हमारा माइनस यहां आ गया, हो गया माइनस f इंटू dx. अगर हम इस q नॉट को बिंदु p तक लेकर आ रहे हैं तो बिंदु p तक लेकर आने में किया गया कार्य हमारे पास हो जाएगा wap, यानी वर्क डन a टू पी, ए से ले पी तक लेकर आने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डी एक्स. और यहाँ माइनस लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी. देखिए ए से लेकर चल रहे हैं तो ए की दूरी कितना है? एक्स है. और कहां तक ला रहे हैं? आर तक. तो यहाँ की दूरी कितना हो गई? पी की दूरी हो गई आर. तो हमारे पास लिमिट लग गई माइनस एक्स से आर. अब अगर हम लोग आगे देखते हैं तो अब क्यू नॉट को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य, ये हमारे पास हो जाएगा डब्लू इन्फा, हमारे पास हो जाएगा ये डब्लू इनफाइनाइट टू पी इक्वल्स माइनस एफ डी एक्स, एंड लिमिट लग जाएगी इसकी इनफाइनाइट टू आर, क्योंकि हम अनंत से लेकर आर तक आ रहे हैं इसे. अब हमारे पास इसका डब्लू पी, हम लोग चाहें तो इस कार्य को इनफाइनाइट टू पी या सीधा सीधा पॉइंट पी तक लाने में किया गया कार्य है, तो हम इसको डब्लू पी भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, यहाँ एफ की हम वैल्यू रख देते हैं कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से. और इक्वेशन फर्स्ट से एफ के मान है 1/4πε0 qq0/x2. ये वैल्यू हम लोग उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास हो गया डब्लू पी इक्वल्स माइनस 1/4πε0 qq0/x2. और यहाँ है डी एक्स, तो हो गया इंटू डी एक्स, लिमिट लग गई, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट आर. इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं. इस माइनस को यहाँ एक्स के साथ ले लेते हैं. देखिए 1/4πε0 qq0, इसको हम बाहर ले आए और हमारे पास बचा कितना? ये बचा 1/x2, और ये माइनस भीतर गया तो हो गया -1/x2. अब अगर हम लोग यहाँ लिमिट की बात किए तो लिमिट हो गया इनफाइनाइट टू आर, और इसको लिख दिया डी एक्स. अब इंटीग्रेशन मेथड के अनुसार हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग. ऐसे फार्मूला ये है, हम लोग जानते हैं एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन.
इसी आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा एक्स की घात दो, सॉरी एक्स की घात माइनस दो प्लस एक और बटा माइनस दो प्लस एक, तो हमारे पास सीधा सीधा बन जाएगा माइनस एक बटा यक्स, लेकिन एक माइनस बाहर लगा है तो एक माइनस बाहर लगा हुआ है तो इस कारण हो जाएगा ये कितना एक बटा यक्स या 1/x ऐसा भी कह सकते हैं। तो हमारे पास किया गया वर्कडन जो आया पॉइंट पी तक के लिए हो गया डब्ल्यू पी इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटू 1/x, और लिमिट लग गई लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट आर। हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है लिमिट सॉल्व करने का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट जो बाहर था उसको लिख दिए 1/x, तो x के स्थान पर r यूज किया जाएगा तो हो गया 1/r, माइनस लग जाता है लोअर लिमिट के लिए x के स्थान पर इनफाइनाइट हो जाएगा 1/∞, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो क्योंकि कुछ भी बटा अनंत बराबर होता है जीरो। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो गया डब्ल्यू पी इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है अनंत से आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव वी पी इक्वल्स हो जाएगा डब्ल्यू पी बाई क्यू नॉट, क्यों, क्योंकि हम लोग क्यू नॉट को ही ला रहे हैं, तो किया गया कार्य बटा आवेश। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हो गया वो डब्ल्यू पी का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर, यहाँ लिख दिए इसको, और अपान में कितना है क्यू नॉट, तो अपान में हो गया क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पर मैटर आ गया वी पी इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इस प्रकार से हम लोग पाए क्या फाइनली कि बी प्रोपोर्शनल 1/r, अर्थात जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैद्युत विभव घटता जा रहा है और पास आने पर सॉरी दूर जाने पर वैद्युत विभव घटता जाएगा और पास आने पर वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जान गए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है।